देखिए, दूसरी लहर लगभग खत्म होने पर है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जून तक में ये लहर खत्म हो जाएगी। तीसरी लहर एक्सपर्ट का ओपिनियन है कि अवश्यंभावी है, आना ही है। हाँ, उसकी सीवियरिटी कम हो, अधिक हो, जो भी हो। तीसरी लहर और पहली लहर और दूसरी लहर, तीनों ही लहर में बचाव के मुख्य जो उपाय हैं वो दो तीन लेवल पे हैं। एक लेवल जो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है वह है जनता के लेवल, सामान्य व्यक्ति के लेवल। उसमें दो तीन बातें शुरू से कही जा रही हैं। अधिकतर लोग उसे मानते ही हैं, कुछ लोग अभी भी अज्ञानतावश नहीं मानते हैं, उनको भी मानना चाहिए। आप लोगों का सहयोग बहुत रहा है, आप लोगों ने इसे बहुत ही एम्फसाइज किया है, सही तरीके से रूट लेवल पर पहुंचाया है। जो लोग नहीं मानते हैं उनको भी मानना पड़ेगा और मानना चाहिए, अपने लिए ना सही, परिजनों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, उनके लिए मानना चाहिए। वो है मंत्र हमारा कि दूरी, फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है वो रहनी चाहिए, दो गज की दूरी मेंटेन करें, बार बार हाथ सैनिटाइज करें, चाहे सैनिटाइजर से हो या साबुन से, जैसे जहाँ जैसी सुविधा आप लोग। और तीसरी बात कि मास्क जरूर लगाएं। मैं कहूँगा कि यदि एक नंबर पर किसी को रखें तो वो मास्क है। मास्क जरूर लगाएं, जरूर लगाएं, जरूर लगाएं, यह आपको बचाएगा। उसके अलावे अनवांटेड जो गैदरिंग्स है उससे सभी को बचना चाहिए। आवश्यक हो जरूर घर से निकलें एहतियात का पालन करते हुए, आवश्यक नहीं हो फोन पे बात कर लें, सलाह फोन पर ले लें, हम लोगों से भी। हम लोग खास करके दूसरे लहर, दूसरी लहर जो शुरू हुई है उसमें बहुत सारे चिकित्सक बंधु सलाह दे रहे हैं, फोन पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जहाँ तक हो सक रहा है वो कर रहे हैं। तो जब ये काम हो सकता है तो अन्य भी कई काम आपका फोन पर हो सकता है, बिना बाहर निकले हो सकता है, वो करने की आवश्यकता होगी। तीसरी लहर में कुछ और भी आवश्यक जो है, जो दो लहरों से हम लोगों ने सीखा है, वो ये है कि कुछ वैज्ञानिक लेवल पर आवश्यकता होगी। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जून जुलाई तक में ये लहर पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, अधिक चांस है जून में, थोड़ा बहुत छिटपुट केस जो है जुलाई तक में ख़त्म, और 4 से 8 महीने में तीसरे लहर के बारे में एक्सपर्ट का ओपिनियन है 4 से 8 महीने में आएगा। तो ये मान के चलिए कि अक्टूबर से दिसंबर जनवरी तक में तीसरी लहर आने की संभावना है। वैज्ञानिक के लेवल पर क्या आवश्यकता है, वो ये है कि वो मैपिंग करें कि स्ट्रेन नया तो नहीं आ रहा है, सर्विलेंस को पुख्ता बनाए रखना पड़ेगा वैज्ञानिक के लेवल, जैसे ICMR है उस लेवल पर। दूसरा जो लेवल है जो इम्पॉर्टेंट है वह है सरकार के लेवल पर। सरकार के लेवल पर जो भी अभी तक हम लोगों ने व्यवस्था की है, आपत्ति विपत्ति को टालने का कोशिश किया है, टाल पाए हैं, उसमें जो व्यवस्था यहाँ तक पहुँची है उसे फिर डिसमेंटल करके नीचे नहीं लाना है, उसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। चाहे वो बेड की बात हो, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, चाहे जो आवश्यक दवाई है, जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से दवा की आवश्यकता हो, चिकित्सक की आवश्यकता हो, चिकित्सा कर्मियों की आवश्यकता हो, सामान्य फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं, वैरियर्स जो हैं, उसकी आवश्यकता, ये आवश्यक होगा। और एक मुख्य बात, अफवाह को तरजीह नहीं देना पड़ेगा, उस पर लगाम लगाना पड़ेगा। सरकार के लेवल से एक बात और होनी जरूरी है, वो है वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन। जितने अधिक लोग वैक्सीनेटेड होंगे ऊपर वाले की कृपा से, उतना कम कॉम्प्लिकेशन होने का चांस है। इस बात को समझना अति आवश्यक है। तो वैक्सीनेशन होना चाहिए, मास्क लगना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, ओवरक्राउडिंग से बचना चाहिए और हाथ का सैनिटाइजेशन होना चाहिए। इतनी चीजें यदि हो और सबसे ऊपर लेवल पर जो आपका है कि मैपिंग और जल्दी से जल्दी डिटेक्शन हो कि नया स्ट्रेन आया है, ये यदि हो सके तो मुझे विश्वास है कि दूसरी लहर हो, तीसरी लहर हो, कोई भी लहर हो, उससे हम उबरने में निश्चित रूप से कामयाब होंगे।